हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। अमित शाह ने किसानों से अपील की है कि वो सड़क छोड़कर मैदान में अपना प्रदर्शन करें। वहां पर किसानों के लिए इंतजाम किए गए हैं। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार। सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए, वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं, वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है, वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रही आम जनता की भी परेशानी कम होगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए, पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए, इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। ये बात के लिए मैं किसान भाइयों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे, दूसरे ही दिन बातचीत शुरू करेंगे और आप शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन भी जारी रख सकते हैं। तो गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो जो जगह दिल्ली पुलिस की तरफ से निर्धारित की गई है बुराड़ी में, वहां पर जाकर अपने धरने प्रदर्शन को लोकतांत्रिक तरीके से करें, और अगर किसान यूनियन के नेता चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बातचीत करे, तो वो जैसे ही बुराड़ी में तमाम किसान पहुंच जाएंगे उसके बाद बातचीत के लिए भारत सरकार तैयार है। और गृहमंत्री ने अपील की है कि किसानों के लिए वहां पर तमाम सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं, वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद बातचीत अगर किसान नेता चाहेंगे तो जल्दी करने को भी भारत सरकार तैयार है। 3 तारीख से पहले भी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है किसान नेताओं से, यह साफ तौर पर कहा गया है गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से। उन्होंने अपील की है कि किसान सड़कों पर से हट जाएं, बॉर्डर्स को खाली कर दें, जो निर्धारित जगह दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयार करवाई गई है वहां पर किसान पहुंचे, वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करें, अपने आंदोलन को करें, और अगर किसान नेता चाहते हैं कि सरकार उनसे जल्दी बात करे तो भारत सरकार उसके लिए भी तैयार है। सड़क छोड़कर तय जगह पर किसान पहुंचे और सरकार की तरफ से बातचीत करने की कोशिश पहले की जाएगी, साफ तौर पर कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। किसानों की मांग ये थी कि सरकार 3 तारीख को क्यों अड़ी हुई है बात करने के लिए, पहले क्यों नहीं करना चाहती है, लेकिन अब खुद गृह मंत्री अमित शाह आगे आए हैं और उन्होंने अपील की है किसानों से कि वो निर्धारित जगह, जो दिल्ली पुलिस ने जगह निर्धारित की है, वहां पर जाकर अपने धरना प्रदर्शन को करें। वहां उनके लिए तमाम दूसरे इंतजाम भी किए गए हैं, दवाइयों का इंतजाम है, पानी का इंतजाम है, बिजली का इंतजाम है, वहां पर पहुंचे और उसके बाद
भारत सरकार अगर वो चाहते हैं किसान तो जल्दी बात करने को भी तैयार है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, हमारे सहयोगी। ओम प्रकाश तिवारी, सवाल यह है कि अब किसान लगातार मांग कर रहे थे कि वो बातचीत को क्यों नहीं भारत सरकार जल्दी तैयार हो रही है। अब तो खुद गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अगर किसान चाहते हैं तो हम जल्दी बातचीत करने को तैयार हैं, बस वो एक निर्धारित जगह पर शिफ्ट हो जाएं। बिल्कुल, केंद्रीय गृहमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, और अगर किसान चाहते हैं कि 3 तारीख से पहले बात हो तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। केंद्रीय गृहमंत्री ने यह भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सरकार किसानों से बात करेगी और इस मुद्दे को पूरी तरह से सुलझाने की कोशिश करेगी। लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री का स्पष्ट तौर पर कहना है कि किसान जो है वो सड़क छोड़ने, लोगों को जिससे परेशानी ना हो उनके लिए एक जगह तय कर दी गई है, उस जगह पर जाएं। साफ तौर पर जाहिर है कि केंद्रीय गृहमंत्री किसानों से पूरी तरह से खुलकर बात करने को तैयार है। आप ये कह सकते हैं केंद्र सरकार खुलकर किसानों की मांगों पर बात करने को तैयार है और सरकार ने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं रखी है। सरकार का कहना है अगर किसान चाहते हैं तो 3 तारीख के पहले भी बात करने के लिए तैयार है और केंद्रीय कृषि मंत्री से किसानों का प्रतिनिधिमंडल जो है बात कर सकता है। आदर्श जी, ओम प्रकाश तिवारी बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गृहमंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की है कि वो निर्धारित जगह पर पहुंचे, वहां पर अपना धरना प्रदर्शन करें लोकतांत्रिक तरीके से, और अगर वो चाहते हैं तो केंद्र सरकार उनसे जल्दी बात करने को भी तैयार है।